अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स, डॉक्टर पूनम के साथ बायज़ूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट टॉपिक है क्लास प्लस वन का। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ऑलरेडी ब्लड को, बॉडी फ्लूइड्स को पढ़ लिया था, हमने ह्यूमन बीइंग के हार्ट की बेसिक स्ट्रक्चर कर ली थी, सभी के सभी डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स ऑफ द हार्ट पढ़ लिए थे, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन भी हमने कर लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम दो छोटे छोटे टॉपिक को कवर अप करेंगे और उसमें से जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है व्हाट इज द न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट, और जो दूसरी वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसी के सेकंड पार्ट के अंदर, एंड उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ द हार्ट बीट, हार्ट बीट कैसे ओरिजिनेट होती है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द फाइबर स्ट्रक्चर, या व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन इंडक्शन या प्रोपेगेशन ऑफ द हार्ट बीट फ्रॉम टॉप टू द बॉटम और ऑल ओवर द हार्ट। क्लियर? तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हमारा न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट। ओके, सो न्यूरोजेनिक हार्ट जो है ये वो स्पेशलाइज्ड टाइप का हार्ट है इन विच द प्रोपेगेशन या ओरिजिन ऑफ द हार्ट बीट इज डन बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट मींस इंपल्स ऑफ हार्ट बीट इज स्टार्टेड बाय एक्सटर्नल सोर्स, और यहां पे एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा, नर्वस सिस्टम। और इसमें एग्जांपल है आर्थ्रोपोड्स एंड एनिलिड्स। आर्थ्रोपोड्स और एनिलिड्स का जो हार्ट होता है उसमें इंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इज इंड्यूस्ड बाय देयर नर्वस सिस्टम, उनके अपर पार्ट के अंदर और पूरी बॉडी के डोर्सली प्रेजेंट जो नर्वस सिस्टम होता है वो इंड्यूस करता है, इंपल्स को जनरेट करवाता है, और तब जाकर के हार्ट की पंपिंग स्टार्ट होती है। इसका मतलब हार्ट के पास खुद के पास कैपेबिलिटी नहीं है सेल्फ प्रोपेगेशन ऑफ द हार्ट बीट को इंड्यूस करने की, स्टार्ट करने की। और जो दूसरा है हार्ट, दैट इज द मायोजेनिक हार्ट, और मायोजेनिक हार्ट में इंपल्स जो स्टार्ट होती है हार्ट बीट की, इट इज डन बाय इटसेल्फ हार्ट। यहां पे खुद हार्ट ही क्या करता है, हार्ट बीट खुद इनिशिएट की जाती है हार्ट के थ्रू ही। ओके, यहां पे क्या है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मसल बंडल which help in propagation of हार्ट बीट। जो हार्ट बीट है वो खुद हार्ट के पास स्पेशलाइज्ड मसल बंडल ही स्टार्ट करते हैं। क्लियर? और जो मायोजेनिक हार्ट है उसमें एग्जांपल होता है मोलस्क एंड वर्टीब्रेट्स का एग्जांपल इसके अंदर आता है। तो मोलस्क एंड वर्टीब्रेट्स बोथ आर शोइंग द मायोजेनिक टाइप ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द हार्ट बीट। अब इस मायोजेनिक हार्ट को हम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मायोजेनिक हार्ट है वो कैसे खुद ही हार्ट बीट को इनिशिएट करता है। सो अब इसमें हम वो भी डिस्कस करेंगे व्हाट आर द स्पेशल टाइप ऑफ द मस्कुलर फाइबर बंडल दैट हेल्प इन प्रोपेगेशन ऑफ द हार्ट बीट। तो फॉर दैट यू हैव टू लर्न हार्ट स्ट्रक्चर। Suppose this is heart and यहां पर अब हम heart के चार chamber discuss करते हैं because these are necessary कि आपको उनकी location पता होनी चाहिए।
सो वी आर शोइंग द एट्रिया एज वेल एज द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. तो मैंने ये चार चैम्बर बना दिए हैं हार्ट के. तो इसमें दिस इज द राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. यस, हियर इज ट्राइकस्पिड वॉल, हियर इज बाइकस्पिड वॉल, है ना. अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ देखते हैं प्रोपेगेशन ऑफ द हार्ट बीट कैसे इनिशिएट होती है. सो जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर का बंडल होता है इन देयर मायोकार्डियम, इन देयर मायोकार्डियम, और जो नर्वस कंट्रोल की हेल्प से, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम की हेल्प से मसल के थ्रू हार्ट बीट को इनिशिएट करता है. एंड दिस इज नोन एज द SA नोड. और SA नोड से हार्ट बीट इनिशिएट होती है और इनके बीच में यहां कुछ फाइबर्स होते हैं. बाय द हेल्प ऑफ दिस मस्कुलर हार्ट बीट इंडक्शन इज नाउ रिसीव्ड बाय एनी अनदर फाइबर दैट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, दैट इज द AV नोड. तो यहां पे प्रेजेंट है दूसरा, दैट इज AV नोड, AV नोड. सो हार्ट बीट की इंपल्स यहां से स्टार्ट होती है, यहां से जाती है SA नोड से जाती है AV नोड पे. SA नोड ने कुछ स्टार्ट किया पंपिंग और AV नोड ने उसकी आवाज सुनी और इस पंपिंग को रिसीव किया और इसको फिर आगे ट्रांसफर कर दिया. अब यहां से फिर नेक्स्ट फाइबर स्टार्ट होते हैं इनके बीच में यहां पे, और फिर ये बिल्कुल नीचे वाले पार्ट तक प्रोपेगेट हो जाते हैं. ऐसे सेम ऐसे हम यहां पे इनको दो बनाएंगे तो जस्ट लाइक द एच लेटर, और ये ऐसे यहां पे प्रोपेगेट हो जाता है. क्लियर? ओके, सो दिस इज नोन एज द बंडल ऑफ His, bundle of his, and this is known as Purkinje fibers. Purkinje fiber. Here, और इनके पास होते हैं न्यूरोन के plexus, जिससे ये ventricles के अंदर propagation को send करते हैं. Yes. And these are help in transmitting the wave of contraction to all over the heart. These are specialized type of the muscle fiber. But ध्यान दीजिए इसमें कि SA node and AV node जो present होते हैं वो myocardium में present होते हैं, as well as the bundle of His भी होते हैं, लेकिन जो Purkinje fibers होते हैं they are found in the endocardium. They are found in endocardium. SA node and AV node are found in the, they are found in myocardium. And epi, myo, endocardium, क्या थी? These are the layers of the heart. Okay? अब हम पढ़ते हैं method of the wave contraction of the heartbeat. Heartbeat जो होती है वो SA node से start होती है और SA node जो है वो खुद 70 से 75 टाइम पर मिनट हार्ट बीट को खुद इनिशिएट कर सकता है और ये स्पेशलाइज टाइप का मसल फाइबर बंडल है, वो खुद ही अपने हार्ट में मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट बीट को स्टार्ट करता है. इसीलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं हम. और इससे नेक्स्ट वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसके पास जाती है? इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे, एंड दीस पाथवे कनेक्ट SA नोड टू द AV नोड. तो इसका मतलब नेक्स्ट जो नोड होता है वो कौन सा है? AV नोड. और जो AV नोड है वो उसका जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है इट इज लिटिल बिट 40
टाइम पर मिनट, ये खुद अगर ऐसे नोड से इसको सिग्नल ना मिले तो ये खुद भी 40 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एबी नोड से फिर नेक्स्ट होता है बंडल ऑफ फिस, बंडल ऑफ फिस, ठीक है। बंडल ऑफ फिस जो है वो क्या है, दो फाइबर है और दोनों के दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड में होते हैं। एंड आफ्टर दैट देयर इज ट्रांसमिशन टू द परकिंजी फाइबर्स ऑफ एंडोकार्डियम, और कौन कौन से, राइट एज वेल एज द लेफ्ट पार्ट। और यहां पे जो परकिंजी फाइबर हैं, उनके पास भी खुद ऑटोमेटिक इनिशिएट करते हैं ये हार्ट बीट को, और इनका होता है 18 to 25 टाइम पर मिनट, ये खुद इतनी हार्ट बीट को इनिशिएट कर सकते हैं। ओके भाई, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट बीट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एसए नोड, देन इट इज ट्रांसमिटेड टू द इंटरनोडल पाथवे, एसए नोड, इंटरनोडल पाथवे, एवी नोड, बंडल ऑफ फिस, एंड देन टू द परकिंजी फाइबर्स। अब देखिए कैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। व्हेन, अब ये मत सोचिएगा कि एसए नोड इधर है तो इधर भी प्रेजेंट होता है, सेम कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका जो पाथवे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इतना होता है, ये यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक कॉन्ट्रैक्शन करता है वो। ओके, इसका मतलब ये हार्ट है ऐसे और यहां पे ऐसे नोड है, जब ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एवी नोड पे आएगी और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन इतना हो जाएगा। तो जब ये ऊपर वाला पार्ट स्क्वीज आउट होगा तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट साइड टू द कमिंग टू द वेंट्रिकल, तो यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर ओपनिंग हो जाएगी किसकी, ट्राइकस्पिड वॉल की, और इधर ओपनिंग हो जाएगी बाइकस्पिड वॉल की। और जब हार्ट का हाफ पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इधर से डीऑक्सीजनेटेड और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल्स में फिलअप हो जाएगा, क्लियर। फिर जब वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे यहां तक आएगी तब ये नीचे से कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से फिर किसमें पंप हो जाएगा, इट गोज टू द पल्मोनरी ट्रंक, और यहां से किसमें हो जाएगा, इट गोज टू द एओर्टा। इसका मतलब जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट की, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या हार्ट बीट जो है हार्ट की, वो सिनोनिम्स होती है, सिनोनिम्स। व्हाई, बिकॉज वेन ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नीचे वाला रिलैक्स होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो नीचे रिलैक्स है ऐसे। तो वन, व्हेन हाफ पार्ट इज कॉन्ट्रैक्टेड देन हाफ पार्ट बिकम रिलैक्स, और जब हाफ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऊपर वाला रिलैक्स हो जाता है। तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हार्ट के हाफ पार्ट पे कॉन्ट्रैक्ट करती है और दोनों के दोनों हार्ट के दोनों साइड से क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ट्रांसमिट कर दिया जाता है, क्लियर भाई। ओके, अब हम लिखते हैं यहां पे रेट ऑफ हार्ट बीट, रेट ऑफ हार्ट बीट। अब रेट ऑफ हार्ट बीट जो है वो एडल्ट ह्यूमन में, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन, हेल्थी ह्यूमन में होती है 72 टाइम्स पर मिनट। इसके अलावा कई बार नीट में रैबिट का भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में रैबिट भी उनके कोर्स में होता है, तो रैबिट के अंदर 210 मिनट पर मिनट होता है। न्यूबॉर्न के अंदर अगर हम देखें तो न्यूबॉर्न के अंदर रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बीट 120 से लेकर के 140 पर मिनट होता है, ठीक है भाई। तो ये है रेट ऑफ हार्ट बीट, क्लियर। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, पर एक बात यहां पे देखिएगा, परकिंजी फाइबर जो है वो यहां तक ही होते हैं क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है। एसए नोड जो कवर करता है वो सिर्फ एट्रिया को कवर करेगा और लेफ्ट पार्ट ऑफ द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल,
यहाँ पे एफ से नोड को पेस मेकर बोला जाता है बिकॉज इट स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बीट, और इसकी बात सुनता कौन है, एवी नोड। एवी नोड इसकी सुनता है और वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को आगे ट्रांसमिट करता है, इसीलिए एवी नोड को पेस सेटर बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ऐसे नोड पे की बार खराब हो जाता है और ऐसे नोड के ऊपर जो इसका कंट्रोल है हमारे ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर, और उसको हार्ट के चेस्ट के अंदर छोटा सा एक सर्जिकल सर्जरी करके इम्प्लांट कर दिया जाता है एक बैटरी, और उस बैटरी के नियर अबाउट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाना अलाउड नहीं होता है। उसको हम एक डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो बैटरी किसकी बनी होती है, आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है, कितने टाइप का होता है। क्लियर? ओके, अब हम एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ द सप्लाई, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। ब्लड सप्लाई टू हार्ट की हार्ट जो है जो पूरी बॉडी की सेवा कर रहा है, हार्ट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द बॉडी टिश्यू एंड बॉडी टिश्यू से इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को दे दिया जाता है और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यू को दे देता है। ओके, इसका मतलब हार्ट तो है ही नहीं उसमें। अब हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो दिया जाता है वो एओर्टा के थ्रू दिया जाता है, और बॉडी टिश्यू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसके थ्रू दिया जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और यहां आएगी पल्मोनरी वेन्स। तो इसका मतलब हार्ट का तो कोई रोल ही नहीं है। क्या हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए एक काम करने के लिए चाहिए? तो हार्ट जो है वो खुद दो आर्टरी से when aorta is arises, aorta से दो आर्टरी निकलती हैं, राइट कैरोटिड आर्टरी, सॉरी कॉरोनरी कैरोटिड आर्टरी, और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी is left coronary artery, और ये दोनों की दोनों हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। हार्ट के ये मायोकार्डियम में जाती हैं और हार्ट की हर एक टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। सेम ऐसे ही वहां से कोरोनरी वीन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है, और ये किसमें पहुंच जाती है, कोरोनरी साइनस के थ्रू, कोरोनरी साइनस मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, राइट एट्रियम के अंदर खुलती है कोरोनरी आर्टरी, जिसके ऊपर मैंने वॉल भी बताया था, थिवेशियम वॉल जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हार्ट की सप्लाई है, हार्ट सप्लाई ऑफ ब्लड। क्लियर भाई? तो इस वीडियो के अंदर हमने दो पार्ट डिस्कस किए हैं, इनिशिएशन ऑफ द हार्ट बीट, टाइप ऑफ द हार्ट बीट, टाइप ऑफ द हार्ट, न्यूरोजेनिक मायोजेनिक एंड द वेरियस सप्लाई ऑफ द हार्ट। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम ईसीजी वगैरह डिस्कस करेंगे और हमारा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बेटा। थैंक यू।